नागपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा लोकसत्ता को झूठ कहा गया कि वामन मेश्राम को नोटिस देकर डिटेंशन किया गया, डिटेन किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बार बार मांगने के बाद भी पुलिस वालों ने मुझे डिटेन करने का नोटिस नहीं दिया। डिटेंशन का ऑर्डर न देता सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरच्या विरोधामध्ये काम करतात। नहीं नहीं सॉरी, तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरच्या विरोधात काम करता। डिटेंशन का केलं हे पोलीस स्टेशनला तुम्हाला इथे देऊ ना मी आधी इथं द्या ना तुम्ही घरामध्ये येऊन पाहिलं एन्फोर्समेंट करून इथं द्या इथं द्या तुम्ही आता म्हटलं होतं देतो पोलीस स्टेशनला तुम्ही देतो म्हटलं तुम्ही शकला काय लागते तुम्ही पोलीस स्टेशनला पोलीस स्टेशनला घेऊन जाण्याच्या संबंधामध्ये काय ऑर्डर आहे सीआरपीची वाचून घ्या सीआरपीची वाचून घ्या चला तुम्ही डिटेन्शनचा आम्हाला ऑर्डर करा नाही 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 डिटेन्शनचा ऑर्डर जे आहे प्लीज जरा नाही डिटेन्शनचा ऑर्डर मला तुमच्याजवळ समजा ऑर्डर असता तुमच्याजवळ ऑर्डर असता तुमच्याजवळ ऑर्डर असता तो तुम्ही दिला असता ना पुढे परिस्थितीमध्ये सगळंच लागू तुमचं कायद्याचं उल्लंघन करून आले तुम्ही बरं सर ठीक आहे कायद्याचं उल्लंघन करता तुम्ही आर्टिकल 19 आणि आर्टिकल 21 च्या विरोधामध्ये काम करून आले तुम्ही कायदा आर्टिकल लागू होत नाही तुम्हाला सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर आहे दोन दिवसापूर्वीचे डिटेन्शनचा अधिकार पोलिसांना नाही कानून के अनुसार ये बंधन था फिर भी नहीं दिया और इसलिए पुलिस कमिश्नर का ये कहना झूठ है। इसलिए पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये झूठ कहना और लोकसत्ता वालों ने उस बात को छापना ये दोनों बातें मैं गलत मानता हूँ। लोकसत्ता वाले लोगों ने भी मेरे से वेरीफाई नहीं किया। लोकसत्ता की ये पत्रकारिता भी मैं गलत मानता हूँ, बैर जिम्मेदाराना मानता हूँ और कमिश्नर साहब का ये बयान भी झूठ पर आधारित है। इसलिए मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर को ये निर्देश देता हूँ सार्वजनिक कि पुलिस कमिश्नर ने यह बात जानबूझकर तो नहीं किया कि वामन मेश्राम एक अनुसूचित जाति का आदमी है, ऐसा मानकर तो उन्होंने नहीं किया। अगर किया है तो मैं छानबीन करने के आधार पर वकीलों को कमिश्नर पर एट्रोसिटी की केस दाखिल करने का निर्देश देता हूं। उसी तरह से वहां पर पुलिस की एक अधिकारी लेडी आई थी और वो बार बार मुझे उठाने की बात कर रही थी। जब मैं उसको नोटिस मांग रहा था तब भी वो गलत बातें कह रही थी, केवल उठाने की बातें कह रही थी। चला घ्या आम्हाला एक तर तुम्ही घरामध्ये एन्क्रोचमेंट करता बरोबर चालेल ना तुमच्याजवळ काय करायचंय हो हो सरकारच्या गैरफायदा घेतोय तुम्ही गृहमंत्र्याचा काय फडणवीसच्या त्याचा गैरफायदा घेतोय तुम्ही बरोबर तुम्हाला वाटता तरी लाजवट टिकाव तुम्हाला मॅडम साहेब तुम्ही माझ्याशी जे बोलताय ना त्याची तुम्हाला उसके बारे में भी मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों को ये निर्देश देता हूं कि वो भी छानबीन करे और अगर इस बात का कोई तथ्य और सबूत मिले तो उनके खिलाफ भी एट्रोसिटीज की केस दाखिल करे। मेरा आंदोलन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है,
ना था ना आगे रहेगा। मेरा आंदोलन आरएसएस के विरोध में था, वो आज भी है, कल भी रहेगा, यदि सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा निकालने की अनुमति दी तो मैं हर हालत में मोर्चा निकालूंगा, प्रोटेस्ट मार्च निकालूंगा।